हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने हमारा चैप्टर 1.6 इनटू द वाइल्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इसका आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमको बोलता है, नरेट इन योर क्लास एनी ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वर एक्सट्रीमली टेरिफाइड और ऑस्ट्रक। सो बेसिकली अपने लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो हमको बताना है जो हमको बताता है कि क्या आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है लाइफ में जहाँ हम किसी चीज़ से डर गए थे। तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस या इंसिडेंट हुआ है तो वो हमको यहाँ पर शेयर करना है। अलोन ऑन अ लोनली रोड, तो बेसिकली कुछ पॉइंटर्स दिए जिसके ऊपर आप अपनी स्टोरी जो है वो नरेट करके लिख सकते हैं। जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे थे, अकेले थे, जगह जो है आपके लिए नई थी, आप कम्प्लीटली जो रास्ता है वो वहाँ से भूल चुके थे। गेटिंग डार्कर बाय द मिनट, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था रात होना शुरू हो रही थी, तो अंधेरा जो है वो शुरू हो रहा था। टेरिफाइड टू द कोर, अब आप पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, डर चुके थे। यूजिंग द फ्लैश ऑफ माई मोबाइल फ़ोन समहाउ रिच द रोड अगेन, लेकिन किसी तरीके से अपने, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो अपने सेलफोन का मैंने यूज़ किया, उसका जो टॉर्च है, फ्लैशलाइट है, उसका यूज़ किया और उस हिसाब से मैं रास्ते को ढूंढते हुए वापस से उस जगह पर जो है वो पहुंच गया। सो दैट इज़ हाउ यू कैन नरेट एन एंटायर इंसिडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों जो हमको बोलता है, कंप्लीट द गिवन टेबल रिगार्डिंग फैक्टर्स, सिचुएशंस और रीजंस। यानी कि कुछ ऐसे रीजंस बताने हैं कि ऐसी कौन से सिचुएशन है जहाँ पर हमको डर लगता है, क्या फैक्टर्स है, क्या रीजंस है और उनके सोल्यूशंस जो है वो क्या हो सकते हैं। तो पहला है हमारा, While discussing about strange creatures, जब हम किसी strange creatures के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भूत की बातें करते हैं, राइट, तो डेफिनेटली डर लगता है। स्पेसिफिकली तब डर लगता है जब घर में या तो लाइट चली गई हो, अंधेरा हो और इस बारे में डिस्कशन चल रहा हो, लेट नाइट को अगर हमने कोई मूवी देख ली तो हमको डर लगता है। तो ये सारे स्ट्रेंज क्रिएचर्स होते हैं जिसके बारे में जब भी हम, हमारा कोई डिस्कशन होता है तो हमें डर लगता है। एट मिडनाइट इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पेसिफिकली कब, जब ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स उस पर घर पर प्रेजेंट नहीं है तब। सोल्यूशन होता है अवॉइड सच डिस्कशंस, स्टोरीज एज दे आर बेसलेस। तो जैसे हमको पता है भूत वूत जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में सारी बातें होती है, तो ऐसी बातों को डिस्कस ही ना करें हम जिससे कि हमको डर लगना शुरू हो जाए। नेक्स्ट है, इफ़ आई गेट लॉस्ट समवेयर एंड कैनॉट फाइंड माई वे होम, अगर मैं कहीं रास्ते में घूम गया और मुझे अपना घर पहुँचने का रास्ता वापस नहीं समझ में आ रहा है। तो इफ़ आई एम अलोन, इफ़ इट इज़ एट नाइट, इफ़ इट इज़ अ लोनली प्लेस, यानी कि अगर मैं घूम गया, या तो उस वक्त मैं अकेला हूँ, तो या तो रात का वक्त है, तो या तो मैं अकेले ऐसी सुनसान सड़क पर या सुनसान रास्ते पर हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, तो हो सकता है मुझे डर लगेगा। अब उसका सोल्यूशन है फाइंड आउट द वे और रूट इन डिटेल बिफोर हैंड। तो आप जब भी घर से कहीं पर निकलते हो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आप सारे रास्ते को, हो सकता है हम ट्रैवलर हैं, हमको नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करना, घूमना पसंद है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें, हम उस रास्ते के बारे में सारी जानकारी जो है वो रख ले। तो पहले ही वहाँ की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लो और ट्राई करना चाहिए कि रात को ऐसे किसी रास्ते की तरफ हम ना बढ़े, क्योंकि रात को यूजुअली हमको रास्ते जो है वो समझ में नहीं आते, तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए आप रात के वक्त निकलो ही नहीं। नेक्स्ट हमको बोलता है जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स, ये जो अब बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोगों की आएगी तब वो डर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, राइट। तो एग्ज़ाम्स के पहले जो हमारे अंदर डर आ जाता है वो, तो इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम, इफ़ आई हैव नॉट स्टडीड। अब डर कब लगेगा, जब हमने पढ़ाई नहीं की है या फिर हमने पढ़ाई की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है। सोल्यूशन क्या है, एक अच्छा सा टाइम टेबल प्रिपेयर कर लो, हर एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिक डे और टाइम जो है वो एलोकेट कर दो कि इतने टाइम पीरियड में मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो सीख लेनी है। ट्राई करो डिफाइन करने का कि कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इजी है, कौन से सब्जेक्ट हमारे डिफ़िकल्ट है, कौन से सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है आपका फेवरेट जो लिमिटेड टाइम में भी आप उसको कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सोल्यूशन बनाओगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स के पहले किसी तरीके का डर नहीं होगा। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सल्यूशन। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच यू कैन परस्यू एज योर हॉबी, पैशन और प्रोफेशन, कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दी है बच्चों जो हमको डिवाइड करना है इन सारी एक्टिविटीज़ को, इसमें से हमारी हॉबी क्या होगी, हमारा पैशन क्या होगा और हमारा प्रोफेशन जो है वो क्या होगा, और हमको उनके रीजंस भी देने हैं, या तो रीजंस या तो चैलेंजेस या तो दोनों ही हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा पेंटिंग, तो पेंटिंग एक हॉबी भी हो सकती है इसलिए यहाँ पर टिक मार्क है, राइट। पैशन भी हो सकता है और प्रोफेशन भी हो सकता है, यूजुअली हम पेंटर्स बुलाते हैं जिनको। रीज़न है आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश, यानी कि विद द यूज़ ऑफ ब्रश जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस जो है वो कर पाऊँगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग इज़ अ हॉबी, बहुत से लोग होते हैं जिनको ट्रैवलिंग पसंद होता है, एज एन हॉबी होती है उनकी, पैशनेट भी होते हैं कुछ लोग जो ट्रैवलर का जॉब करते हैं, और प्रोफेशन भी इसको बनाया जा सकता है। अब रीज़न क्या हो सकता है बच्चों इनका? हमारी कंट्री में टूरिज़्म जो है वो ज़्यादा होता है, तो टूरिज़्म जो है सबसे बड़ा रीज़न है। इन टूरिज़्म देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स, तो टूरिज़्म में जो प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स होते हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप इसको प्रोफेशन बना सकते हो, हॉबी और पैशन भी बना सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ओके, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक हॉबी भी हो सकता है, एक पैशन भी हो सकता है, डेफिनेटली प्रोफेशन होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आप यहाँ पर किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे हो, ये आपका सेल्फ मेड है, राइट। इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप, अब क्योंकि कंप्यूटर्स का ज़माना है तो प्रोफेशनल स्कोप जो होता है वो हमारा काफ़ी कम हो जाता है, इसके लिए ये वाइल्ड लाइफ जो है फोटोग्राफी वो है हॉबी और पैशन, और ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा। कंजर्विंग एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, तो एक हॉबी नहीं है लेकिन एक पैशन रख सकते हैं हम इसको, और इसी तरीके के साथ ये प्रोफेशन हो सकता है, कई सारी संस्थाओं से आप जुड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों, क्योंकि आपके इकलौते कुछ करने से कुछ नहीं होगा, लोगों ने भी आपका साथ जो है वो इन कामों में देना चाहिए, तो इतने करोड़ों के पॉपुलेशन को हम किस तरीके से कन्विंस करेंगे, तो बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है। नेक्स्ट आता है बर्ड वॉचिंग, तो बर्ड वॉचिंग जो है बच्चों हॉबी हो सकती है कि आपको बर्ड्स देखना पसंद हो, उसके साथ साथ पैशन हो सकता है, लेकिन उसका स्पेसिफिकली कोई प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर नहीं है। रीज़न हो सकता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग, हॉबी और पैशन क्यों है आपका, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इसके लिए, लेकिन चैलेंज क्या है इसमें, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बर्ड वॉचिंग के लिए आपको कोई प्रोफेशन नहीं है उसके लिए, राइट, यू आर अ बर्ड वॉचर, तो दैट इज़ नो प्रोफेशन एज सच, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज। Moving on with the next question, match the following wildlife sanctuaries with their locations, तो हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है और उनके लोकेशंस कहाँ हैं हमको बताने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में। इसके साथ हमारा आइस ब्रेकर जो है बच्चों ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। पहला क्वेश्चन हमको बोलता है इन पेयर्स डिस्कस द प्रोफेशंस एंड चैलेंजेस वन कैन टेक हैप्पीली इफ़ वन इज़ रियली पैशनेट अबाउट द जॉब। यानी कि अगर कोई इंसान किसी हॉबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा या फिर अपने किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, किसी एक्टिविटी को लेकर, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेशन के लिए कुछ पॉइंट्स मेंशन है, जैसे फोटोग्राफी हो गई, राइटिंग हो गया, तो यू ऑल कैन बिकम अ राइटर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, रिपोर्टिंग, म्यूज़िक, कोरियोग्राफी एक्सेट्रा, तो ये सारे प्रोफेशंस हो गए। अब कुछ चैलेंजेस हम बात करेंगे तो इर्रेगुलर वर्क स्केड्यूल होता है इन प्रोफेशंस का, कोई स्पेसिफिक स्केड्यूल नहीं होता है, जैसे ऑफिस टाइम होते हैं 9 to 6, यहाँ पर इनका 9 to 6 का जॉब जो है वो नहीं होता है। नो गारंटीड मॉनिटरी रिवॉर्ड्स, और ज़रूरी नहीं है इसमें आप पैसे कमाओगे, तो मॉनिटरी रिवॉर्ड्स की किसी तरीके की यहाँ पर गारंटी जो है वो नहीं होती, क्योंकि कोई सैलरी नहीं मिल रही होती है यहाँ पर। क्रिटिसिज्म फ्रॉम पेरेंट्स फॉर चूजिंग एन ऑड करियर, पेरेंट्स भी साथ नहीं देते हैं कई बार, क्योंकि बहुत ही ऑड करियर सिलेक्शन होता है इसके लिए। नेक्स्ट, इन ग्रुप्स ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ही इज इन्वॉल्व इन। तो अब अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से बच्चों आप लोग एक रोल प्ले एक्टिविटी जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंसेज इन अ प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर एज दे आर, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में हमको क्या करना है, अरेंज करना है एज दे हैव ऑकर्ड। तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने देखा ना बच्चों, जो छोटे से बड़ा होता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर जो बड़े से छोटा होता है। यहाँ पर हमको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है, कौन सी उसके बाद हुई है। जैसे मूवी का सीन होता है ना, क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है, इंट्रोडक्शन होता है, पहले ट्रेलर आता है मूवी का, उसके बाद में मूवी लॉन्च वाले दिन क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद में बीच में इंटरवल आता है, लास्ट में आपका क्लाइमैक्स आता है, राइट। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया, इसी ऑर्डर में हमको क्या करना है बच्चों, इसको भी क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है द राइटर रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट इन द वुड्स, ये तो बहुत बात की बात है। लंगूर सॉ दी लेपर्ड, ये तो ठीक है। Author was moving from jungle as quietly as possible, finding his way through the thicket. The author met a villager. तो सबसे पहले बच्चों जो हुआ है, author जो है वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, ये सबसे पहली वाली चीज़ थी। लंगूर्स ने उसके बाद में जो है वो क्या देखा था, लेपर्ड को देख लिया था। उसके बाद राइटर जो है, उसके बाद ऑथर को एक विलेजर मिला। अब जब विलेजर मिला उसके बाद दोनों ने अपना अपना रास्ता डिवाइड कर लिया था। तब जाके ऑथर ने रियलाइज़ किया कि वो कहीं पर जो है वो घूम चुका है। राइट, तो ये हमारा सीक्वेंस है। आइए देखते हैं आंसर्स में। ओके, ऑथर वॉज मूविंग फ्रॉम द जंगल एज क्वाइटली एज पॉसिबल फाइंडिंग हिज वे थ्रू द थिकेट। सेकेंड था हमारा लंगूज ने लेपर्ड को देखा था, उसके बाद ऑथर एक विलेजर को मिला और फिर वो रास्ता जो है वो भूल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसको हमको करेक्ट करना है। अर्लियर शाज वॉज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा BCRTI वॉज फाउंडेड आउट ऑफ जेन्युइन अर्ज टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, तो यानी कि BCRTI जो बनाया गया था इसलिए बनाया गया था क्योंकि शाज जंग करके जो है व्यक्ति यहाँ पर जिनके बारे में बताया गया है उनके अंदर एक इच्छा थी कि ये जितने भी हैबिटेट्स होते हैं, जितने भी लिविंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है, इनकी लाइफ जो है वो मैटर करती है। तो डेफिनेटली BCRTI उसी लिए फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है शाज फेल्ड टू यूटिलाइज द फाइनेंस इनकर्ड आउट ऑफ टूरिज्म, तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट है शाज पुट द फाइनेंस इनकर्ड आउट ऑफ टूरिज्म टू गुड यूज़, यानी शाज ने क्या किया, जो भी फाइनेंस इनकम आती थी टूरिज्म से उसको अच्छे काम के लिए उसने इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू द लोकल एग्रीकल्चरिस्ट सीइंग इज मोर एसेंशियल देन लिसनिंग विच इज़ रॉन्ग। लास्ट पैराग्राफ की तरफ अगर आप बढ़ोगे और बच्चों देखोगे तो वहाँ के लोकल एग्रीकल्चरलिस्ट है जिसने एज अ टूरिस्ट का काम चालू कर दिया था, टूरिस्ट गाइड बन गया था, जो उसने कहा था कि लिसनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सीइंग, यानी देखने से ज़्यादा सुनना समझना जो है वो ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द लोकल एग्रीकल्चरिस्ट लिसनिंग इज मोर एसेंशियल देन सीइंग, मोर इम्पॉर्टेंट देन सीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कंप्लीट द गिवन वेब, तो यानी कि ये वेब जो है हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। पार्ट 1 है साइंस ऑफ द विसिनिटी ऑफ द विलेज, ठीक है, तो गांव है, आसपास, नियर बाय। विसिनिटी का मतलब होता है बच्चों नियर बाय। ओके, जस्ट अ सेकेंड, विसिनिटी इज नियर बाय, यानी कि गांव जो है वो कहीं पर आसपास है। तो इस बात का क्या प्रूफ था, ओके, विसिनिटी यानी कि नियर बाय प्लेस में। तो पहले मार्क्स ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील जो है उससे समझ में आ गया था हमारे राइटर को, किरण पुरंदर जी को, कि आसपास कहीं पर गांव है। साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में बातें करने की आवाज़ आ रही थी। बेसिकली वहाँ पर एक मैरिज हॉल था जहाँ शादी चल रही थी, तो इसलिए लाउड स्पीकर में जब लोगों के बात करने की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स थे, यानी कि बुल्स के पूप्स जो है वो वहाँ पड़े थे। लैंटर्न ऑफ अ फार्म एंड द लाउड स्पीकर इंस्टॉल फॉर अ मैरिज। द विलेज लेक एंड अ फेमिलियर हिल लॉक, तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ आसपास नियर बाय में ही क्या है, एक गाँव जो है वो है। नेक्स्ट है कंप्लीट द गिवन वेब पार्ट 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड बाय शाज, तो सबसे पहले ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उसके साथ में सिनेमेटोग्राफर और बिग कैट ट्रैकर। बिग कैट बच्चों यहाँ पर जो टाइगर या लेपर्ड होते हैं उनकी बात चल रही है। He is a man animal conflict resolution seeker speaking to those interested in conserving the planet's riches, यानी कि ये उन लोगों से बातें करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता था जो कि मैन और एनिमल के बीच का सबसे पहले तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो झगड़ा है हमेशा से चलता आ रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए देखता है और ऐसे लोगों से बातें करता है जो प्लानट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमको मिली है उनको क्या करने की, कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ही लीड्स फोटोग्राफिक सफारीज इन अफ्रीका, उसके अलावा वो क्या करता है, अफ्रीका जाता है, वहाँ पर फोटोग्राफिक यानी कि वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी फोटोग्राफी के लिए वो वहाँ जाता है। ही शोकेजेज हिज वर्क एट आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज़, तो जितने कैपिटल सिटीज़ होती है वहाँ पर जाकर क्या करते थे, आर्ट गैलरीज में अपना जो भी फोटोग्राफी की है उनका वो वहाँ पर क्या करते थे, आर्ट गैलरी में अपने वर्क को शोकेस किया करते थे। लास्टली ही इज़ अ लॉज ओनर एंड क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड। These are some of the responsibilities जो कौन हैंडल करता था, शाज जंग जो है वो हैंडल करते थे। Next is complete the flow reactions of the petrified lungus due to the presence of the leopard, यानी कि अब लेपर्ड के आने के पहले पहले ये जो डरे हुए से लंगूर्स थे इनका रिएक्शन क्या था हमको बताना है। सबसे पहला था उनका ख्याक ख्याक करके जो वो आवाज़ें निकाल रहे थे, अलार्म दे रहे थे एक दूसरे को, वो था। सेकेंड था लीडर ऑफ द गैंग मेकिंग अलार्म कॉल्स, जो लीडर था वो अलार्म दे रहा था। रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड यानी कि लंगूर की जो वो पूरी सेना थी कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स। तो ये जितनी भी सेना थी ये सब आपस में चिल्ला ही रहते, क्यों? ताकि किसी को अगर नहीं भी पता होगा तो उसको पता चल जाए कि लेपर्ड आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अलार्म करके इन्फॉर्म कर रहे हैं। स्पीडिंग टू द ट्री टॉप्स नियर एंड फार, यानी कि जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी भाग भाग कर झाड़ के ऊपर एकदम जाकर बैठ रहे थे। एंड स्मॉलर लंगूर्स ऑल्सो गिविंग अलार्म कॉल्स। अब वो जो छोटे छोटे से लंगूर थे वो भी क्या कर रहे थे, छ्याक छ्याक के आवाज़ से वो लोग भी क्या कर रहे थे, अलार्म कॉल्स देकर जितने छोटू छोटू लंगूस थे उन सबको क्या कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट, कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग each step taken by the writer as a solitary traveler while moving in the jungle with great precaution। अब क्या precaution लेते हुए हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि writer जो एक solitary यानी कि एक alone traveler थे, अकेले थे जो travel कर रहे थे, और उन्होंने क्या क्या precautions लिए थे। पहला, precautions taken by the writer कैमोफ्लेजिंग दी हाइड, यानी कि एक ऐसा उन्होंने जैसे गुफा जैसी जगह होती है, छुपने की जगह होती है, वैसा उन्होंने टेंट बनाकर छुपने के लिए अपने लिए सेफ जगह जो है वो बनाकर रखी थी। स्कैनिंग द एरिया विजुअली, यानी अपनी आंखों से हर तरफ नज़र घुमाकर देखते थे कहीं दूर से कोई मुसीबत आती हुई नज़र आ रही है क्या, तो ये उनका स्कैनिंग द एरिया विजुअली था। ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, यानी कोशिश कर रहे थे कि ज़रा से भी उनकी आवाज़ जो है वो उनकी तरफ से ना हो, जैसे चलने की कदमों की जो आहट होती है, तो ऐसी सारी आहट को वो कोशिश कर रहे थे कि बिल्कुल भी ना हो। वॉचिंग विद वाइड ओपन आईज, और बड़ी बड़ी आंखें करके हर जगह नजरें जो है वो घुमा रहे थे। ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द लीव्स, अब जो पत्ते थे क्योंकि जंगल इतना ज़्यादा हरा भरा था और इतने ज़्यादा वहाँ पर झाड़ थे, तो चलने के लिए उनको फेस के ऊपर जो है उनके क्या हो रहे थे, वो लीव्स जो है वो आ रहे थे, तो वो लीव्स को हटा कर जो वो चल रहे थे उसे कहते हैं ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द लीव्स, ताकि पत्तों की भी आवाज़ ना आए। ग्रास्पिंग वेरियस साउंड्स, और हर एक तरीके की आवाज़ें जो सुनाई देती है उनको वो क्या कर रहे थे, बड़ी गौर से सुन रहे थे कि किसी मुसीबत के आने के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम, ये सारे प्रिकॉशंस जो हमारे राइटर है किरण पुरंदर जी वो ध्यान में रख रहे थे। Next question says complete the table explaining the qualities that you would like to imbibe from nature within yourself and provide the reasons for the same। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमको बताना है क्या हम नेचर से किसी तरीके की क्वालिटी अपने लिए लेना चाहते हैं। इम्बाइब मतलब अपने अंदर चाहते हो कि वो क्वालिटी आए, अगर ऐसा कुछ है तो नेचर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप चाहोगे कि वो सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ट्री का, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। ट्रीज पेशेंटली बेयर अप विद सीजन्स लाइक विंटर एंड ऑटम, यानी हमें भी कहीं ना कहीं पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रीज जो है बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, हर एक सीजन में खड़े रहते हैं। एंड दी अटैक्स ऑन देम बाय एनिमल्स बर्ड्स एंड ह्यूमंस एंड वेट फॉर स्प्रिंग टू ब्लूम अगेन। इसी के साथ साथ उनके ऊपर कई अटैक्स भी होते हैं, एनिमल्स की तरफ से भी होते हैं, ह्यूमंस की तरफ से भी होते हैं, उसको भी बर्दाश्त करते हैं और स्प्रिंग का भी वेट करते हैं कि स्प्रिंग आएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, वापस से सारे के सारे जो हमें फिर से ब्लूम होंगे, यानी कि वापस से सारे लीव्स जो है वो सूखे पत्ते झड़ जाएंगे और न्यू जो लीव्स हैं हमारे ऊपर आ जाएंगे और फिर से ट्री जो है वो शाइन करेगा। तो बहुत ही पेशेंस चाहिए इसके लिए, इसीलिए हमको ट्री जो है वो उससे पेशेंस की क्वालिटी जो है वो इम्बाइब करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रीम्स, तो वहाँ से हमको चाहिए पर्सिवरेंस। स्ट्रीम्स कैन इवन वेयर डाउन रॉक्स विद देयर पर्सिवरेंस। स्ट्रीम्स का मतलब होता है यहाँ पर जो झरने नदियों की बात होती है बच्चों, तो वहाँ पर जो पानी है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो क्या कर सकता है, इट कैन वेयर डाउन द रॉक्स, यानी कि पत्थरों को भी वो क्या कर सकता है, काट सकता है। तो इस तरीके की जो क्वालिटी होती है वो स्ट्रीम्स के अंदर होती है, पानी में होती है, तो ऐसी स्ट्रीम्स की क्वालिटी हमको भी चाहिए। नेक्स्ट, choose appropriate phrases or expressions from the extract given in the brackets time and again to one's heart content frantic speed in a jiffy। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हमको यहाँ पर, या फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस दिए हुए हमको कौन से सेंटेंस में फिट होता है वो देखना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोल्यूशन आपके लिए बना लिया है। ओके, आई वॉज ऑन डाइट फॉर सम डेज बट टुडे आई एम गोइंग टू ईट टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट मतलब जब तक मैं दिल से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ तब तक मुझे वो काम करना है। तो यहाँ पर क्या काम करना है, कुछ दिनों से मैं डाइट पर थी लेकिन अभी आज मुझे मौका मिला है, तो मैं आज मेरी चीट डाइट है, आज मैं जी भर के खाऊंगी जो खाना है। तो जो हम बोलते हैं ना जी भर के, दैट इज टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। एवरी मदर स्कोल्ड्स हर चिल्ड्रेन टाइम एंड अगेन फॉर द ओवर यूज ऑफ द मोबाइल फोन। हर मम्मी जो है वो अपने बच्चों को चिल्लाती है किस चीज़ के लिए, टाइम एंड अगेन, किस चीज़ के लिए, मोबाइल फ़ोन के यूसेज की वजह से। Next, all their educational problems were sorted out in a jiffy because of the funds given by an NGO। in a jiffy यानी कि बहुत ही जल्दी उनकी problems जो है वो solve हो गई। राज रैन एट अ फ्रैंटिक स्पीड टू कैच द ट्रेन। फ्रैंटिक स्पीड यानी कि एकदम तेज़ स्पीड से वो भागा ताकि वो ट्रेन जो है वो पकड़ सकता था। तो इस तरीके से बच्चों सही फ्रेजेस को सही सेंटेंस में फिट करना ज़रूरी है, अदरवाइज उनके मीनिंग्स कम्प्लीटली चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। अब ये जो हमको क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, ब्रैकेट के अंदर हमको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स से हमको क्या करना है, सेंटेंस को रीफ्रेज करना है, यानी वापस से फॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दी सेंटेंस। ओके, आई कैन गाइड विजिटर्स, यानी कि मैं विजिटर्स को गाइड कर सकता हूँ। हमको क्या करना है, विजिटर्स से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, विजिटर्स कैन बी गाइडेड बाय मी। नेक्स्ट, एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, यानी कि हमको शुरुआत करनी है आई से, आई एम बीइंग पेड बैक बाय एनिमल्स। बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक पैंथर इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड, दे से कैसे चालू करोगे, द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक पैंथर इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड, दे आर डॉक्यूमेंटिंग द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक पैंथर। ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज़ बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स। कैमरा ट्रैप्स किसी ने तो बिछाया होगा, दे से शुरू करना है तो दे हैव डन ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल थ्रू कैमरा ट्रैप्स। माडेगौडा इज एम्प्लॉयड बाय द बाइसॉन, तो बाइसॉन से चालू करना था, द बाइसॉन एम्प्लॉयज माडेगौडा। द सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी, आई से शुरू करना है, आई वॉज बीइंग रिमाइंडेड बाय द सराउंडिंग्स। तो बच्चों कहीं ना कहीं यह एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है उसका ज़्यादा यूज हुआ है। राजू वॉज अमेज्ड एट माई सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरजरा, माई सॉलिटरी से शुरू करना है, माई सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरजरा अमेज्ड राजू। आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, तो अब आ जाएगा अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल वॉज फाउंड बाय मी। आई फाउंड क्या हो जाएगा, अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल वॉज फाउंड बाय मी। ओल्डर लेपर्ड्स लाइक पादोस कैरी अवे लाइफ स्टॉक फ्रॉम विलेजेस, तो यहाँ हम लाइफ स्टॉक से शुरू करेंगे, लाइफ स्टॉक आर कैरीड अवे फ्रॉम विलेजेस बाय ओल्डर लेपर्ड्स लाइक पादोस। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन, 80% से शुरुआत होगी, 80% ऑफ अ सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन हैज़ बीन लॉस्ट बाय मी। Tracking an animal also teaches you life lessons, तो life lesson are also taught by tracking an animal. Many things have been taught to me by the forest. The forest have taught me many things. Resentment among locals towards the animal is created by this. This creates resentment among locals towards the animal. So that is how बच्चों इस तरीके से solution दिया है. If you all want, you can take a screenshot. Otherwise PDF आपको आपके Telegram channel पर forward हो जाएगा. Okay. Rewrite the sentences by using not only but also. अब हमको जो sentences दिए हैं बच्चों उसको क्या करना है, वापस से लिखना है not only but also की use करते हुए। The petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on the tree tops. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, The petrified langurs not only speeded, अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान दो, petrified langurs speeded to the trees near एंड फार एंड, अब यहाँ पर एंड आया है ना, यानी कि दो एक्टिविटी यहाँ पर क्या हुई है, परफॉर्म हुई है। एक तो झाड़ की तरफ भाग चुके हैं, नज़दीक थोड़ा दूर वो लोग अपना ये करके भाग चुके हैं, और सेकेंडली बोला गया सिक्योर द प्लेसेस ऑन दी ट्री टॉप्स। तो द पेट्रीफाइड लंगूर्स यहाँ पर आएगा, नॉट ओनली स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार बट ऑल्सो सिक्योर द प्लेसेस ऑन दी ट्री टॉप्स। नेक्स्ट, उम्बरजरा इज द हेवन फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बेयर्स। उम्बरजरा इज द हेवन नॉट ओनली, यानी कि यहाँ पर एंड आया है ना बच्चों, तो यहाँ पर आएगा नॉट ओनली फॉर टाइगर्स बट ऑल्सो फॉर लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बेयर्स। नेक्स्ट, आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन स्टैक बाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर एंड है तो हम क्या करेंगे बच्चों उसका, I crossed not only the cement pillar but also the stones stacked by the Forest Development Corporation. So that is how with the use of not only but also, कहीं ना कहीं जब हम and so जैसी चीज़ें आती है वहाँ पर replace करके not only but also कर देते हैं। Okay. Next is your college has decided to celebrate World Environment Day. Mr. Kiran Purandar has been invited as the chief guest for the event. Imagine you are the secretary of the nature club of your college. You have to conduct an interview of Mr. Kiran Purandar with the help of the given table and points. Frame 8 to 10 questions for an interview. अब बच्चों यहाँ पर हमने जो है ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं, यानी कि इंटरव्यू ही आने वाले हैं. मिस्टर किरण पुरंदर जी जो है वो हमारे स्कूल में आने वाले हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं. तो हम नेचर क्लब के क्या है, सेक्रेटरी, ऐसा हमको मानना है और उस हिसाब से हमको क्या करना है, 8 से 10 क्वेश्चंस जो है उसको फ्रेम करना है. तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया इंटरव्यूई का, नेक्स्ट हमने लिख दिया फील्ड और स्पेशलाइजेशन, यानी अब उस जो आने वाले हैं चीफ गेस्ट यहाँ पर हम उनके बारे में लिखेंगे, कौन सी डेट पर आने वाले हैं, डेट, डे, टाइम, हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी और कितने ड्यूरेशन के लिए यानी कितने टाइम फ्रेम के लिए वो आने वाले हैं वो हम मेंशन करेंगे. अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेंगे, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, ऑन बिहाफ ऑफ द नेचर क्लब ऑफ आवर कॉलेज आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट्स. We also loved your book Sakha Nagzera. I would like to ask you a few questions. May I? Thank you. तो बेसिकली ये बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, यहाँ से उनका भी रिप्लाई जो है वो आता रहेगा आपको. ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन. जैसे आप उनको पूछोगे कुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द एनवायरमेंटल स्टडीज कोर्स दैट यू हैव कंप्लीटेड इन स्कॉटलैंड, यानी आपने एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में थोड़ा हमको गाइड कर दीजिए और आपने कौन से कोर्स को कम्प्लीट किया है स्कॉटलैंड में. आर देयर एनी सच कोर्सेज इन इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र. How did you get interested in the conservation of the environment? Do you think that we in Maharashtra are doing enough to look after the environment? How can we get the entry pass for the sanctuaries? You have been mostly a solitary, यानी कि alone travel, a solo traveler, inside the forest. What would be the reason for this? Are there any excursions, expeditions in which you are going to participate in the near future? How can we help you in your work? Could you please give some tips, message for our nature club? Thank you, sir, for answering all our questions so frankly. We wish you all the best in the future endeavors. So this is how basically we need to frame certain questions and ask the chief guest. Okay, next question says, imagine you have visited the jungles of Nagarhole. Okay, आपको imagine करना है कि आप यहाँ पर गए हो, यहाँ के जंगलों में. Write a report to be published a local योर कॉलेज मैगजीन न्यूज़पेपर, यानी कि किसी लोकल न्यूज़पेपर या मैगजीन में आपको क्या करना है, आर्टिकल देना है. इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके बताना है कि आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है. ओके, अ वीक इन अ जंगल, ये आप शुरुआत करोगे हेडिंग देकर. नेक्स्ट आप क्या लिखोगे बच्चों, प्लेस का नाम लिखोगे और डेट मेंशन करोगे अलॉन्ग विथ मंथ. तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, 4 of us from NS College Mysuru spent a week at Nagarhole National Park, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी जिसको बोलते हैं, लोकेटेड इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट. इट वॉज एन एक्सिलरेटिंग एंड एजुकेटिव वीक. अब यहाँ पर बच्चों पहले आपने यहाँ पर बता दिया कि कितने लोग गए थे, कौन से कॉलेज से हो, कौन से एरिया में विजिट किया है. यहाँ पर आप बताओगे, आपका एक्सपीरियंस जो है वो शुरू हो जाएगा कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. फिर उस जगह के बारे में आप बात करोगे, जैसे उस पार्क में वाटरफॉल्स है, हिल्स है, वैलीज है, स्ट्रीम्स है, ट्रीज है. अब वो किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने रिच पॉपुलेशन के लिए, एनिमल्स के एंड बर्ड्स के. ठीक है, वहाँ पर फेमस कुछ है तो आप उनके बारे में बताओगे, प्रीडेटर्स के बारे में जो आपने देखा होगा, जैसे बंगाल टाइगर्स है, इंडियन लेपर्ड है, स्लॉथ बेयर है, स्ट्रिप्ड हैना है, ये कुछ तरीके के प्रीडेटर्स हैं जो कि वहाँ पर मिलेंगे. हर्बीवोरस एनिमल्स भी है, जैसे एलिफेंट्स है, चीतल है, सांबर डियर है एंड बार्किंग डियर भी है. देन एज इट वॉज द मंथ ऑफ मे, अब क्योंकि वो मे मंथ था जब हम वहाँ पर गए थे, वाटर होल्स जो है वो क्या हो रहे थे, वहाँ पर पानी जो है वो सूखते जा रहा था. मैनी एनिमल्स विजिटेड द लेक एंड वी हैड अ ग्रैंड टाइम ऑब्जर्विंग देयर हैबिट्स फ्रॉम द मचान विच वॉज बिल्ट फॉर टूरिस्ट, यानी कि क्योंकि मे मंथ था और गर्मी का मौसम था, पानी जो है वो सूख रहा था, तो कई सारे एनिमल्स जो है वो लेक की तरफ आए थे. तो हम सब मिलकर क्या कर रहे थे, उनको ऑब्जर्व कर रहे थे. अब वहाँ पर ये जो जगह है स्पेशली टूरिस्ट लोगों के लिए बनाई गई थी कि यहाँ से खड़े रह के आप एनिमल्स को आता हुआ देख सकते हो. We were particularly careful not to disturb the environment by talking loudly or playing music. अब हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करना है हमको, क्योंकि वो जब वहाँ पर आए थे, जमा हुए थे, अगर हमारा फ़ोन बज गया या कोई म्यूज़िक प्ले कर रहा है या कोई चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, तो एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे. बेसिकली वो हमसे टेरिफाइड हो जाते हैं, डर जाते हैं, तभी हम पर अटैक करने आते हैं. Hence the animals were at their natural best, और इसीलिए वो naturally जो उनका behavior था वैसा ही था. We were thrilled to see a pair of Bengal tigers and a leopard. It was wonderful to see these majestic animals from such a close distance. यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने इनको देखा है. It is truly an unforgettable experience. We could not see the sloth bear, but there were plenty of elephants and deer. अब आप वहाँ पर जाओगे तो ज़रूरी नहीं है आपको हर एक एनिमल दिखे, तो आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है कि एग्जैक्टली आपने क्या देखा और क्या चीज़ें नहीं देखी है. After an experience like this one, all four of us have decided to visit various sanctuaries and take an avid interest in the wildlife of India. यानी कि जब ये experience हमारा अच्छा रहा तो इसके basis पर हम चारों ने decide किया अब इंडिया में जितने भी sanctuaries हैं हम सब कुछ visit करेंगे और जाकर ये beauty जो है वो nature की उसको और explore करेंगे. तो इस तरीके से बच्चों हम एक report को prepare करते हैं. Next question says, Shaz has contributed towards conserving the wild animals and their habitat. Your college has decided to spread the message in society and arrange a rally. यानी कि अब शाज ने सोचा है क्या कि एनिमल्स के लिए उनको वापस से कंजर्वेशन का प्रोग्राम उन्होंने सोचा है, तो कॉलेज ने डिसाइड किया कि इस मैसेज को जो है जो शाज जंग ने सोच रखा है उसको हमको सोसाइटी में स्प्रेड करना है, तो उसके लिए हमने सोचा एक रैली जो है वो निकालेंगे. प्रिपेयर एंड अपील टू इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन्फॉर्मिंग अबाउट दी, यानी हमको एक अपील बनानी है जिसके अंदर हमको क्या करना है, लोगों को बोलना है कि आप आओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली का हिस्सा जो है वो बनो. तो कम वन कम ऑल करके हमने ऐसे एक टैगलाइन दे दिया, कम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. अब यहाँ पर जो है बच्चों वो हमारा मेन मैसेज जो है वो यहाँ होगा, वी नीड योर हेल्प टू सेव अ प्लानट. एवरी स्पीशीज़, यानी कि जितनी भी प्रजातियाँ है, चाहे इंसान हो चाहे जानवरों में हो, ये सारी ही प्रजातियाँ जो है वो प्लानट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. Hence we need to protect and conserve wild animals and their habitat. इसीलिए ज़रूरी है हम अपने wild animals और habitat को भी conserve करें, protect करें, संभालें. You are the one with a voice. तो उनके पास जो है वो आवाज़ नहीं है, तो protect the ones without a voice. ये वो लोग हैं जिनके पास आवाज़ नहीं है, तो इन्हें कौन बचाएगा, वो लोग बचाएंगे जिनके पास आवाज़ है इनको बचाने के लिए. फिर अब यहाँ पर आपको बता देना है कि रैली कभी होने वाली है, डेट और टाइम, चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, एंड सेव एनिमल्स दे विल सेव यू. अब आप इन प्राणियों को, इन प्रजातियों को जो अलग अलग स्पीशीज है, अगर आप इनको बचाओगे अल्टीमेटली आप अपने आप को बचा रहे हो. क्यों? क्योंकि इनका जो सर्वाइवल है प्लैनेट का वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ओके, सो दैट इज़ हाउ वी प्रिपेयर एन अपील. नेक्स्ट, Nature is a great teacher and a guide. Complete the mind map as instructed as per the titled concept. यानी इसका हमको माइंड मैप बनाना है और बताना है कि ये जो टाइटल जो है नेचर जो है वो बहुत बड़ा टीचर है हमारे लिए और हमको गाइड करता है. तो नेचर हमको क्या सिखाता है बच्चों, दैट हार्ड टाइम्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर. ठीक है, जैसे ट्रीज़ का एग्जाम्पल ले लिया, हर बुरा वक्त आता है उसके ऊपर फिर भी एक दिन ऐसा आता है स्प्रिंग आ जाता है, फिर से वो ब्लूम करने लग जाता है. तो नेचर हमको सिखाता है क्या कि हार्ड टाइम्स, बुरा वक्त जो है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता. टू एक्सेप्ट चेंज, और जिस तरीके से एक ट्री जो है हर एक समर को चेंज होता हुआ देखता है, इसी तरीके से आपके लाइफ में भी कई सारे ऐसे सीजन्स आते हैं जो चेंज आपको करते हैं और आपकी लाइफ में चेंज लेकर आते हैं. तो कहीं ना कहीं एज ह्यूमन बीइंग हमको दो चीज़ सीखना ज़रूरी है, और वो क्या है कि बुरा वक्त जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, और दूसरा लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करना सीख लो. नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू बी हम्बल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहो, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहो. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव. लास्ट में ये बोल रहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते हो. नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग, और कभी भी कोई भी नई डिस्कवरी, कोई भी नई चीज़ एक्सप्लोर करने मिले तो उससे कभी भी कतराना नहीं है, आगे बढ़ते रहो. ओके, सो बेसिकली ये जो था हमारा, ये तो ऑलरेडी हिस्सा रहा है हमारे इसका ही जो वापस से यहाँ पर आ गया, नो वरीज. तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. तो इसी पॉइंटर्स के बेसिस पे आप माइंड मैपिंग बना दोगे और बनाकर आपको बताना है किस तरीके से नेचर एक बहुत बड़ा टीचर है और किस तरीके से वो हमारी जो है वो हेल्प करता है. तो इसके साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है 1.6 इनटू द वाइल्ड, इसका आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो ख़त्म होता है. अगर आपको किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो हमारा कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से ओपन है. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स. थैंक यू वेरी मच.